आज सेक्टर 7 से प्रारंभ हुई जो सबीना होते हुए श्रीनगरी सेक्टर 4 तक जाएगी। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय रविंद्र श्रीमाली जी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, पूर्व पार्षद साहब सत्यनारायण मोची साहब, विभिन्न सभी मौजूद है और बहुत ही अच्छी जगह। जी साहब, क्या कहना है इस दृश्य का? लगभग 15-16 वर्षों से इस क्षेत्र में रथ यात्रा निकल रही है, प्रतिवर्ष इसका स्वरूप भव्य होता जा रहा है और इस बार पिछली बार की अपेक्षा भी अधिक भीड़ है और आज थोड़ा सा व्यवधान हुआ है रथ की हाइट से, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, कार्यक्रम चल रहा है और भक्त बड़ी तल्लीनता से आगे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो मौसम भी साथ दे रहा है? मौसम तो बिल्कुल साथ दे रहा है, प्रभु जगन्नाथ स्वयं निकले हैं तो मौसम को भी उस अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद पूरे हिरणनगरी उपनगरीय क्षेत्र में जो उल्लास है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह यात्रा उदयपुर के आम जन के सर्व मंगल कामना के लिए है। आज प्रभु जगन्नाथ जी हिरणनगरी उपनगरीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, उनके भ्रमण मात्र से अनेक प्रकार की बीमारियों का नाश होगा, जो प्राकृतिक रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, आम जन कल्याण समृद्धि होगी। इस अवसर पर उपनगरीय क्षेत्र की हजारों की जनता को अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि आपका संपूर्ण परिवार मंगलमय हो, राज्य सुखी हो, उदयपुर सुखी हो, यही भावना। नगर में कुल कितनी यात्राएं निकलती हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुमान करें तो दो ही यात्रा प्रमुख है, एक बड़ी यात्रा है और ये छोटी यात्रा है। ये छोटी यात्रा का जो माहौल बना है पिछले समय से, केवल देरी, बहुत देरी हो जाती है यात्रा में, इस कारण से क्षेत्र बदला है, हिरणनगरी उपनगर क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया है ताकि उपनगर क्षेत्र को भी जगन्नाथ रथ यात्रा का लाभ मिले और उधर से पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा का लाभ शहर को जनता को मिलता ही है, इसलिए ये दो प्रकार की प्रक्रिया बनी है। इसमें लोग भी बहुत खुश हैं और पूरे सड़क मार्ग पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और खड़े ही नहीं हैं, पानी पिलाने की व्यवस्था है, दूध पिलाने की व्यवस्था है, केला वितरण करने की व्यवस्था है, सब प्रकार की व्यवस्था के लिए लोग एकदम आनंदित हैं। जब शुरुआत का दौर था तब क्या हालत थी? शुरुआती दौर में हमारे उड़ीसा के एक कार्यकर्ता थे और वो संघ के प्रशिक्षित थे और उन्होंने शुभारंभ किया, भाटी जी और बाकी सारे लोगों को मिल करके एक यात्रा का प्रारंभिक दौर चालू किया था, जो हमारी यात्रा वहाँ जाके मिलने की। अब यात्रा का दौर इतना बड़ा हो गया कि हिरणनगरी उपनगरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु भक्त रहते हैं, उनका मान्यता है कि यात्रा को पूरी हिरणनगरी उपनगरीय क्षेत्र में निकाली जाए, तभी दौर बहुत अच्छा है, आने वाला समय और अच्छा है। प्रभु जगन्नाथ जरूर उदयपुर की जनता पर कृपा करेंगे, बीमारी मुक्त शहर रहेगा, यही मंत्र है। जी सर, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही मंगल कामना करते हैं कि उदयपुर शहर स्वस्थ रहे और आज बड़े उत्साह का माहौल है उपनगरी क्षेत्र के अंदर और सभी महिलाएं पुरुष बढ़कर कर इसमें भाग ले रहे हैं, एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ठीक, धन्यवाद। ठीक, आपके जी स्वागत। आज हमारे हर वर्ष की भांति जगन्नाथ रथ यात्रा का आज यहाँ पर सेक्टर 9 से शुभारंभ हो रहा है और आज यहाँ पर स्थानीय लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है कि वास्तव में इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जितना उत्साह है
उतना मतलब हर वर्ष की भांति इस वर्ष और ज़्यादा है, क्योंकि सभी की श्रद्धा श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई है और जगन्नाथ भगवान से आस्था जोड़ रखा है। इसलिए हर आदमी यही चाहता है हर वर्ष की भांति ये है इस वर्ष भी अच्छी मनोकामना के साथ में रथ यात्रा निकले और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वामी की जय।